सबसे पहले हम चारकोल मीडियम के बारे में बात करते हैं। चारकोल क्या है? चारकोल एक एशियंट मीडियम है जो कि बहुत पुराने समय से यूज़ होता हुआ है। लाइक एशियंट टाइम के अंदर वॉल केव्स के मतलब केव्स के अंदर जो वॉल पेंटिंग वगैरह जो थी वो सब भी चारकोल की मदद से ही बनाई जाती थी, और तो वो तब नेचुरल तरीके से बनाई जाती थी लाइक एनिमल सलाइवा और ट्री ब्रांचेस वगैरह वगैरह। तो अब चारकोल से अभी भी ड्राइंग क्यों करते हैं? और जो टोनल वैल्यूज है वो बहुत ही फंडामेंटल चीज़ है समझने के लिए कि अगर आप कोई ड्राइंग सीख रहे हो या फिर कुछ भी आप मीडियम सीख रहे हो, किसी भी चीज़ को बनाना सीख रहे हो, तो उसके अंदर जो 3D डेप्थ होता है, एक डायमेंशनल डेप्थ होता है, इट्स लाइक के अगर आप एक किसी पोर्ट्रेट को देखोगे तो उसके अंदर जो भी पीछे वाली चीज़ है जिस पर जहाँ पर आप देखोगे जहाँ लाइट पड़ रही है लाइट से, लाइक मेरे इस चेहरे के इस हिस्से पर लाइट पड़ रही है तो, और जो चेहरे पर लाइट नहीं पड़ रही है तो उनके जो चीज़ें हैं जो अभी आपको मालूम पड़ रहा है आप अपनी आंखों से देख पा रहे हो, तो उसको क्रिएट करने के लिए चारकोल एक बहुत ही अच्छा मीडियम है। चारकोल बहुत सारी चीज़ों के अंदर अवेलेबल हो जाती है, बहुत वर्सटाइल चीज़ है। इट्स लाइक अगर आप देखोगे तो चारकोल की स्टिक्स भी आती है, चारकोल पाउडर भी आता है, चारकोल पेंसिल्स भी आती है और बहुत सारी चीज़ें आती है। जैसे कि आप अगर किसी सॉफ्ट वैल्यूज़ को क्रिएट करने वाले हो, फिर किसी सॉफ्ट चीज़ को ड्रॉ कर रहे हो, इट्स लाइक ब्लरी इमेज है या फिर कुछ भी है, तो आप पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो और उसे ब्लेंड कर सकते हो, या फिर अगर आप एक थिनर लाइन बनाना चाहते हो या फिर किसी भी पतले लाइन या फिर स्ट्रोक्स बनाना चाहते हो आप पेंसिल का यूज़ कर सकते हो। और किसी आप बड़े आर्टवर्क को ड्रॉ करने वाले हो, लाइक बड़ा कुछ ड्रॉ करने वाले बड़े पेपर पे A2 साइज़ A1 साइज़, तो आप चारकोल स्टिक्स का इस्तेमाल कर सकते हो और आप जल्दी जल्दी ड्रॉ कर सकते हो। और इसमें एक बात ये भी अच्छी है कि अगर आप ग्रेफाइट से ड्रॉ करते हो तो आपको टोन्स क्रिएट करने के लिए, आपको बैलेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, आपको बहुत यूनिफॉर्मली ड्रॉ करना पड़ता है। बट अगर आप चारकोल यूज़ करते हो तो आप उसको सिर्फ मास्टर करना होता है जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हो। उसके बाद आप चाहो तो क्विक स्केचिंग, इट्स लाइक चारकोल के अंदर आप क्विक स्केचिंग कर सकते हो, वो भी बहुत जल्दी बन जाती है। अगर आप कहीं बाहर गए हो तो आपको बस अब एक पेंसिल की ज़रूरत है, आप एक चारकोल पेंसिल यूज़ कर सकते हो किसी भी एक इन्वायरमेंट को कैप्चर करने के लिए। आपको बस वैल्यूज़ और चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, फंडामेंटल्स का ध्यान रखना पड़ेगा कि उस चीज़ को आप पेंसिल को कैसे यूज़ करोगे अपने पेपर के ऊपर ताकि आप एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट को उसके ऊपर डाल सको।